हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल में, जहां हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो सर, आप इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स तो बहुत बोलते हो, लेकिन पढ़ा तो RC रहे हो, इलेक्ट्रिकल की चीजें पढ़ा रहे हो। अब क्या करूं यार, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, और उसके बिना मैं सीरियसली बता रहा हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर का गुजारा ही नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले कैपेसिटर क्या होता है ये आपको जानना पड़ेगा, कैसे काम करता है, और बहुत डेप्थ में। ऐसा नहीं ऊपर ऊपर, बहुत डेप्थ में यार, इंटरव्यूज में भी बहुत पूछते हैं। तो खैर, इसके बारे में मैं आगे और बताऊंगा, बट फिलहाल तो खुशी की बात यह है कि हमने फाइनली इलेक्ट्रॉनिक्स चालू किया है, और आज हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर फिजिक्स। तो सेमीकंडक्टर फिजिक्स में हम सबसे पहले बात करेंगे आज एनर्जी लेवल्स की, और उसके बाद हम डिफाइन करेंगे कि एक्चुअली में सेमीकंडक्टर होता क्या है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने सबसे पहले डिफाइन करेंगे कि एनर्जी लेवल्स। तो सपोज एक हमने एटम लिया है, तो ये एटम में सपोज एक न्यूक्लियस होगा। अब इसके चारों तरफ क्या होंगे, ऑर्बिट्स होंगे, जिसपे इलेक्ट्रॉन्स ऐसे घूम फिर रहे होंगे, नाच रहे होंगे, है ना। इतना ही बनाते हैं, ठीक है। अपने पास जगह की कमी है। अब यहाँ पे फर्स्ट स्टेट में क्या रहता है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सपोज 8 हैं, फुल है ये, ओके। तो सर, ये आप बना किस कर रहे हो? ओके, लेट्स से एग्जांपल हम अभी सिलिकॉन का बना रहे हैं, क्योंकि हम सेमीकंडक्टर पढ़ रहे हैं। ओके, सो कॉल्ड सेमीकंडक्टर। तो सिलिकॉन का कितना होता है, 14 होता है एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे क्या होगा, 14 प्रोटॉन्स होंगे, समझ लो 14 है। तो यहाँ पे 2 8 और बाकी बचे हमारे 4, तो ये यहाँ पे आ गए, ओके। अब यहाँ पे न्यूक्लियस है। अब आपको पता है ये न्यूक्लियस क्या करता है, एक बाइंड करके रखता है पूरे इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऑर्बिट्स में, ठीक है, एक फोर्स के थ्रू। बट क्या होता है, ये जो ऑर्बिट है ये इसके बहुत पास रहता है, तो इस पे सबसे ज्यादा फोर्स रहता है। ये ऑर्बिट थोड़ा दूर है तो इस पे थोड़ा कम फोर्स रहता है, और ये तो सबसे दूर है तो इस पे थोड़ा और कम फोर्स रहेगा न्यूक्लियस का। मतलब अगर मैं ऑर्बिट्स बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है, ये जो रेडियस है R1 R2 R3, ये जो रेडियस है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। रेडियस बढ़ेगा तो क्या होगा, जो फोर्स लगता था, ठीक है, न्यूक्लियस द्वारा अपने ऊपर बाइंडिंग फोर्स, वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब फोर्स कम हो रहा है मतलब क्या हो रहा है, इसका जो घूमने फिरने का औकात है, समझ में आ रहा है। पहले भी हम बात करते थे कंडक्टर्स में, ये थोड़ा सा ज्यादा एनर्जी इसमें ज्यादा रहेगा घूमने फिरने के लिए। अभी भी ये बाइंडेड ही है प्रॉपरली, बट एज कंपेयर टू दिस ऑर्बिट, ये ऑर्बिट वाला थोड़ा ज्यादा एनर्जी रखेगा, तो ये एनर्जी बढ़ती है। तो अब इसको हम किस तरह से डिनोट कर सकते हैं, सपोज ये एक एनर्जी लेवल है, एनर्जी लेवल है और यहाँ पे बस हमने एक, ये हम जाएंगे धीरे धीरे ऊपर। तो ये सपोज न्यूक्लियस का एज है, ये न्यूक्लियस का एज है, ठीक है। यहाँ पे अब यहां से कुछ दूर जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये फर्स्ट ऑर्बिट मिलेगा, ठीक है, ये फर्स्ट ऑर्बिट। फिर यहां से और कुछ दूर जाएंगे, ये क्या एनर्जी लेवल्स है, इसकी एनर्जी सबसे कम होगी, फिर ये सेकेंड ऑर्बिट की उससे ज्यादा होगी, और फिर ये जो थर्ड वाला ऑर्बिट है उसकी सबसे ज्यादा होगी एनर्जी लेवल, ओके। तो अब ये एक एटम की बात हो गई। अब एक मटेरियल में कितने सारे एटम्स रहेंगे, ऐसे करोड़ों अरबों असंख्य, ऐसे बहुत सारे एटम्स रहेंगे, ठीक है। तो अब सपोज ये ऑर्बिट में ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनकी एनर्जी लेवल सपोज इतनी है। दूसरे एटम में भी ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसी टाइप के 2 इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे ढेर सारे में, तो इसकी क्या गारंटी है कि इन दोनों की एनर्जी लेवल एग्जैक्टली सेम होगी, यार कोई गारंटी नहीं है। मतलब अलग अलग एटम्स पे जाओ ना तो सबको
ये अलग अलग थोड़ी बहुत एनर्जी लेवल रहती है, एग्जैक्टली सेम नहीं रहती है, तो इसलिए इसको हम बैंड्स में डिफाइन करते हैं। तो एक्चुअली ये जो है ना एक बैंड होता है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन का एक ही एनर्जी लेवल है, बट ऐसे कितने सारे इसी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन से अलग अलग एटम्स में, तो उनके लिए एक बैंड होता है क्योंकि उनकी एनर्जी लेवल थोड़ी बहुत वेरी कर सकती है। तो ये जितने भी ऑर्बिट्स है ना सबका एक बैंड होता है क्योंकि अलग अलग एटम्स अलग अलग एनर्जी लेवल पे होंगे उसी ऑर्बिट के एटम्स, तो ये थोड़े बहुत वेरी करते हैं, एग्जैक्टली सेम नहीं रहते हैं, तो इसलिए ये बैंड्स होते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो अब जो जो सबसे ज्यादा एनर्जी लेवल किसकी है, इस लास्ट वाले की, तो इसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। ठीक है, जो सबसे लास्ट वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, जो जो भी हमारे बॉन्डिंग वॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं, उनको हम वो वैलेंस बैंड में रहते हैं, उसकी उनकी एनर्जी लेवल्स को हम वैलेंस बैंड बोलते हैं। ओके, तो यहां तक क्लियर है एनर्जी लेवल्स में क्या होता है। अब हम बात करते हैं एक और बैंड की। तो अब क्या होता है, अब यहां पे ये एटम्स तो प्रॉपरली अपने इससे बाइंडेड है, अब एक और एटम होता है, एक और बैंड होता है, सपोज ये एनर्जी लेवल है। ठीक है, अब यहां पे हमारे पास है ये कुछ बैंड्स, सपोज मैं अगेन थ्री ऑर्बिट सिस्टम बना रहा हूं, सो ये दूसरा ऑर्बिट और ये तीसरा ऑर्बिट। ठीक है, ये फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ओके, और ये वैलेंस है, वैलेंस बैंड है ये। तो अब एक और बैंड होता है जिसको हम बोलते हैं कंडक्शन बैंड। इस बैंड को बोलते हैं कंडक्शन बैंड, मतलब अगर इलेक्ट्रॉन्स को बाहर कहीं जाना है, अगर इलेक्ट्रॉन्स को कहीं मतलब फ्लो होना है, तो इसको इस वैलेंस बैंड से उठ के कंडक्शन बैंड में जाना पड़ेगा, तो इसको इतनी एनर्जी लगेगी। अब इसी एनर्जी को हम बोलते हैं, सॉरी, इस एनर्जी लेवल को बोलते हैं बैंड गैप, और इसको फॉरबिडन एनर्जी लेवल भी बोलते हैं। ओके, मतलब फॉरबिडन क्यों, मतलब यहां पे कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, या तो ये इस एनर्जी पे रहेगा या तो ये इस एनर्जी पे रहेगा। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन्स को कहीं भी मूव करना है, अपने एटम से निकल के कहीं बाहर जाना है, तो उसको इतनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी। अब यही यही जो बैंड गैप है, इसी के ऊपर डिफाइन हुआ है इंसुलेटर, कंडक्टर और सेमीकंडक्टर्स। ओके, तो हम ये आगे देखेंगे। अब हमें पता है कि सारे ऑर्बिट्स के कुछ ना कुछ बैंड रहते हैं, तो बट वो नहीं टेक पार्ट करते हैं कंडक्शन में और अदर चीजों में, जनरली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ही पार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले यहां से वैलेंस बैंड से ही चालू करेंगे। तो सपोज ये एक, ये अभी हमने क्या ले लिया, ये वैलेंस बैंड ले लिया। ओके, इसके नीचे होंगे फर्स्ट ऑर्बिट सेकेंड सेकेंड ऑर्बिट के बैंड्स, बट ये अभी वैलेंस बैंड ले लिया, और यहां पे कुछ कंडक्शन बैंड ले लिया, कंडक्शन बैंड। ओके, और ये हमारे पास बैंड गैप है। अब हर चीज का एक एनर्जी डिफाइन करते हैं। सपोज इसकी एनर्जी को हमने ईवी से डिफाइन किया, इसकी एनर्जी को हमने ईसी से डिफाइन किया, तो बैंड गैप क्या हो जाएगा, बैंड गैप को हमने ई बी जी से सपोज डिफाइन किया है, तो एनर्जी ऑफ बैंड गैप क्या हो जाएगा, ई सी माइनस ई वी, सिंपल है। अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये बैंड गैप, सपोज आप सोचिए, ये बैंड गैप जितना ज्यादा रहेगा उतना मुश्किल होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने के लिए, ठीक है, उतनी एनर्जी हमको देनी पड़ेगी। तो अब सबसे पहले अगर मैं इंसुलेटर्स की बात करूं, तो इंसुलेटर्स क्या होते हैं, बैड कंडक्टर होते हैं। ओके,
मतलब वो कंडक्शन बिल्ड, तो ये बैंड गैप उसमें क्या होना चाहिए, बहुत हाई होना चाहिए, जो कि होता है। तो इंसुलेटर्स में क्या होता है, ये जो ईबीजी है ये अराउंड 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, इस ऑर्डर में होता है, बहुत हाई वैल्यू है ये। मतलब सर ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या है, सर देखो ये जो ई है मतलब ये क्या एनर्जी है, ठीक है, तो एनर्जी का यूनिट तो सर जूल होता है, क्यों मजाक कर रहे हो। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 1.602 × 10⁻¹⁹ जूल, ये इसके इक्वेलेंट होता है। सर ये तो कुछ देखा देखा लग रहा है, सर ये तो वही चार्ज वार्ज है इलेक्ट्रॉन का, सर ये तो इलेक्ट्रॉन वाला चार्ज है, तो सर ये इसी से रिलेटेड है क्या। हाँ यार इसी से रिलेटेड है, थोड़ा सा अगर दिमाग लगाओ, थोड़ा सा मैथ्स लगाओ, या तो मन से पूछो या मैथ्स से पूछो, दो ही चीजें। मन से तो सर मैं कुछ नहीं समझ में आ रहा, तो चलो मैथ्स से पूछते हैं। अब एनर्जी क्या है हमारे पास, एनर्जी तो सर कुछ तो पावर इंटू टाइम है, तो पावर क्या है वी, सर VIT, किधर भी इलेक्ट्रिकल ही घुसाना है, और बोलते हो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर पढ़ना नहीं है, तो जब इलेक्ट्रिकल ही घुसाना है तो VIT को थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स के टर्म में लिख दो, ओके तो समझ में आ जाएगा। तो VI × T क्या होता है, अरे सर ये दो तीन लेक्चर पहले ही पढ़ा था, ये तो चार्ज होता है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, एनर्जी इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू चार्ज। तो ये चार्ज क्या है 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम, ओके ये कूलम, और ये 1 वोल्ट मिलके ये एनर्जी बनी है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन को मैं 1 वोल्ट दूंगा तो उसमें कितनी एनर्जी गेन होगी, उसी को एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल रहा है, ओके, और ये यूनिट इतनी ही छोटी है, समझ में आ गया, ये क्लियर है। तो इंसुलेटर्स के केस में ये इतना होता है बैंड गैप। अब हम बात करेंगे कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स का केस ही अलग है भाई, ये बंदा ही अलग है। ये क्या करता है, इसका जो वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड है, ओके, और इसका जो कंडक्शन बैंड है, मैं थोड़ा दूसरा कलर लेता हूं, इसका जो कंडक्शन बैंड है ये ओवरलैप रहता है, ये पूरा ओवरलैप ही रहता है, मतलब ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड ओवरलैप, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड में हैं वो एक्चुअली कंडक्शन बैंड में भी हैं, इसलिए तो यार दिन रात पागलों की तरह घूमते रहता है वो, बिना कुछ एनर्जी दिए भी ऐसा रैंडम मोशन करते रहता है, कोलिजन्स करते रहता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो EBG हो गया ये 0 हो गया, और एक्चुअली ये ओवरलैप है, ठीक है, ये ओवरलैप्ड होता है, मतलब इसमें हमें तो कंडक्शन का टेंशन ही नहीं लेना है। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स की, तो ये हो गया कंडक्टर्स, ओके, अब बात करते हैं हम सेमीकंडक्टर्स की, सेमीकंडक्टर्स, तो इसमें कैसा होता है, इसमें भी कुछ ये वैलेंस बैंड है और ये कंडक्शन बैंड है, और ये जो गैप होता है EBG, तो ये EBG होता है इन द ऑर्डर ऑफ 0.6 to 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, ये इतने ऑर्डर का होता है। तो अब इस ऑर्डर में रहेगा तो ये क्या हो गया, सेमीकंडक्टर रहेगा, मतलब इस इंसुलेटर से कम लेकिन कंडक्टर से ज्यादा। तो ये जो बैंड गैप है इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ एनर्जी देके, मतलब अगर ये, अगर मैंने सेमीकंडक्टर्स को कुछ एनर्जी सप्लाई की, मतलब ये यहाँ से यहाँ छलांग मार सकता है, इंसुलेटर्स के केस में भी ऐसा हो सकता है, बट उसके लिए हमको बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए एट वेरी 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 हाई एनर्जीज इंसुलेटर में से भी कुछ ना कुछ करंट दौड़ सकता है, ओके ऐसा है। सेमीकंडक्टर्स में उससे कम एनर्जी में ही कुछ तो हम इससे काम ले सकते हैं, तो इसीलिए हम इससे बहुत सारा काम लेते हैं, ओके। तो अब हम बात करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, तो अब जैसे सिलिकॉन है, तो सिलिकॉन का जो गैप रहता है वो अराउंड रहता है 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके, और इसी में जर्मेनियम का रहता है 0.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है, तो इसलिए ये दोनों सेमीकंडक्टर के कैटेगरीज में आते हैं। अब मैं बात करता हूं टेम्परेचर की, ठीक है, तो
टेम्परेचर इफेक्ट देखेंगे, टेम्परेचर इफेक्ट। तो अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो क्या हो रहा है? ओके, तो सबसे पहले इंसुलेटर्स के केस में क्या होगा? इंसुलेटर्स के केस में तो टेम्परेचर बढ़ा रहा हूं तो सर एनर्जी थोड़ी बहुत बढ़ेगी, तो मतलब वो कंडक्शन बैंड में जाने के जो चांसेस हैं, भले ही वो ना जाए लेकिन चांसेस है वो बढ़ जाएंगे, मतलब कंडक्ट करने के चांसेस बढ़ जाएंगे, मतलब जो उसका रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर बढ़ाने से उसके एनर्जी थोड़ी बढ़ेगी और उसके उधर जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे कंडक्शन बैंड के। अब कंडक्टर्स के केस में क्या होगा, ये हमने देखा है ऑलरेडी। ओके, बट फिर से समझ लेते हैं कंडक्टर्स के केस में क्या होगा। सर कंडक्टर्स तो ऑलरेडी कंडक्शन बैंड में है, अगर मैं उसकी एनर्जी बढ़ा दूंगा, टेम्परेचर बढ़ाए तो उसकी एनर्जी बढ़ा दूंगा, एनर्जी बढ़ा दूंगा तो पहले से ही पागलों की तरह सर पटक रहा था, अब एनर्जी बढ़ा दिया, वो और जल्दी जल्दी कॉलिजन्स करेगा। ठीक है, एनर्जी बढ़ा दी है उसकी, कॉलिजन्स करेगा तो रिलैक्सेशन टाइम कम होगा, रिलैक्सेशन टाइम कम होगा तो उसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कम हो जाएगी। ये सब हमने पढ़ा है डिफ वेलोसिटी के चैप्टर में, ठीक है, आप वो वीडियो जरूर देखिए, ये सब बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो इसका रेजिस्टेंस क्या होता है? बढ़ जाता है। अब सेमीकंडक्टर के केस में क्या होगा? सेमीकंडक्टर के केस में भी वही होगा सर जो इंसुलेटर्स के केस में होता है, क्योंकि वहां पे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड अलग अलग है, तो अगर हमने एनर्जी प्रोवाइड की टेम्परेचर बढ़ाने से तो वो ऊपर जा सकता है, उसकी चांसेस ज्यादा है। अगर कंडक्शन बैंड में जाएगा तो क्या होगा, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करने में हेल्प करेगा, कंडक्शन में हेल्प करेगा, तो इसलिए यहाँ भी रेजिस्टेंस क्या होगा? कम होगा। तो मतलब ये नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, ये पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, क्या इसका रेजिस्टेंस? ओके, कंडक्शन नहीं, इसका रेजिस्टेंस नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस कम हो रहा है, इसका पॉजिटिव रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट, और इसका सिमिलरली नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट है। ओके, सिंपल है। अब सर आपने कंडक्शन की बात की, तो हम देखते हैं कि सेमीकंडक्टर में किस टाइप के कंडक्शंस होते हैं। तो सपोज सपोज मैंने क्या किया, यहां पे एक ये वैलेंस बैंड है, ओके, और यहां पे कंडक्शन बैंड है। अब क्या होगा, यहाँ पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये है 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 ये है, ओके, ढेर सारे। अब मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, यहाँ पे इसको कुछ एनर्जी मिलेगी, एनर्जी मिलेगी तो ये जो बैंड गैप है सपोज 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, अगर इतनी एनर्जी मिल गई बढ़ाते बढ़ाते तो ये क्या हो गया, कुछ तो छलांग लगा सकते हैं। तो रूम टेम्परेचर पे क्या है, रूम टेम्परेचर मीन्स 27 डिग्री सेल्सियस या अराउंड 300 केल्विन, इस टेम्परेचर पे क्या होता है कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिल जाती है और वो ऊपर चले जाते हैं। सपोज ये वाला बंदा जो है ये ऊपर चला गया है, ये रूम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, तो ये ऊपर चला गया है, मतलब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया है, तो ये कितने जाते हैं ऊपर, ये जाते हैं 1 इलेक्ट्रॉन पर 10 टू द पावर 10 एटम्स, मतलब इतने एटम्स में से एक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने का ऐसा जनरल काउंटिंग है एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो अब मैं और अगर टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये और ऊपर ऊपर जाएंगे। ओके, तो ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, तो ऊपर जाएंगे तो ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन पहले, ये मैं थोड़ा बड़ा बना रहा हूं ताकि आपको दिखे, यहां पे इलेक्ट्रॉन था, अब ये ऊपर चला गया तो ये यहां पे ये क्या हो गया, होल बन गया सर, यहां पे एक होल बन गया, तो अब ये एक होल यहां पे बना है। अब ये इलेक्ट्रॉन को अगर मैं कुछ सप्लाई वप्लाई दूं तो ये कंडक्शन करेगा, बट कुछ और भी कंडक्ट करेगा इसमें। अब यहां पे ये इलेक्ट्रॉन है तो सॉरी यहां पे ये होल है तो मतलब यहाँ खाली जगह दिख रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा,
कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की कोशिश कर, ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी कोवेलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है किसी दूसरे से, ओके ये कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं इसमें, वो हम देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, बट मैं होल का कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ। तो ये ऑलरेडी, अब ये क्या करेगा, ये इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये इधर चला जाएगा, ओके और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पे क्या आ जाएगा, होल आ जाएगा फिर से। अब फिर से इस वाले बंदे को, इस वाले बंदे को ये सबको दिखेगा यहाँ खाली जगह है, जल्दी से भरो, ठीक है। तो ये फिर से इधर आएगा, ओके अपना जगह छोड़ के, तो यहाँ पे होल हो जाएगा। सिमिलरली ये भी फिर इधर जाना चालू करेगा तो यहाँ पे होल हो जाएगा। तो अब ये क्या हो रहा है, ये होल्स को भरने के चक्कर में ये इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर मूव कर रहे हैं, इसलिए ये होल करंट बोलते हैं इसको। ओके सर क्या मजाक है, आखिर तो इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं ना, क्यों कंफ्यूज कर रहे हो भाई, इलेक्ट्रॉन्स ही मूव कर रहे हैं नो डाउट। अब इलेक्ट्रॉन्स ही यहाँ भी मूव कर रहे हैं, कंडक्शन बैंड में मूव करेंगे, ओके लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, उसको थोड़ी बहुत आजादी है क्योंकि उसकी एनर्जी स्टेट हाई है, तो ये मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पे करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स आए हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं और यहाँ पे जो भी 10, 5, 15 या जितने भी हजारों इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव कर रहे हैं अपना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं नो डाउट, बट क्यों मूव कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे होल था, अगर यहाँ पे होल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते क्या, नहीं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है ये किसके कारण से हुआ, होल्स के कारण से हुआ, ठीक है। तो इसलिए इसको करंट ड्यू टू होल बोलेंगे, मतलब होल्स करंट बोलेंगे। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन राइट साइड मूव होते हैं, होल्स कैसे हमको प्रिटेंड होंगे, वो लेफ्ट साइड मूव हो रहे हैं, ओके तो इनका मोशन क्या हो रहा है, रैंडम हो रहा है, ठीक है इसमें कुछ ये नहीं है। बट जब भी कोई रैंडम मोशन होता है हम क्या कर सकते हैं सर, उसको हम एक वोल्टेज प्रोवाइड करके उसको अपने फायदे के लिए यूज कर सकते हैं, यही तो हमने कंडक्टर में किया था, बंदा सर पटक रहा था, इधर उधर घूम रहा था, हमने क्या किया उसको एक वोल्टेज प्रोवाइड कर दिया, उसको अपनी तरफ खींच लिया अपने फायदे के लिए। आदमी बहुत मैनिपुलेटिव है, ठीक है अपने फायदे के लिए सब चीजें करता है, ये तो बेचारे अपने आप घूम रहे थे, ठीक है। तो जैसे ही हमको दिखा कि यहाँ पे तो होल्स भी इधर उधर घूमने की क्षमता रखते हैं, तो हमने इसमें एक क्या करेंगे, बैटरी लगाएंगे और इससे एक मस्त सा करंट निकलवाएंगे, ठीक है आगे के लेक्चर्स में। तो हम आगे के लेक्चर्स में और पढ़ने वाले हैं इसके बारे में, फॉरबिडन गैप, फर्मी लेवल का कॉन्सेप्ट भी आपको अगर डाउट होगा तो हम वो भी डिस्कस करेंगे आगे आगे के लेक्चर्स में। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, बहुत कुछ आने वाला है, ठीक है। और आपको ये कंटेंट्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और आपको कोई भी डाउट हो किसी भी लेक्चर में तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में डाउट पूछिए, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।